बॉलीवुड में मशहूर हैं यारों की यारी, बुरे वक्त में कभी नहीं छोड़ा एक दूसरे का साथ। आम इंसान हो या बॉलीवुड स्टार, हर किसी की लाइफ में एक न एक दोस्त ऐसा होता है कि जो बहुत खास होता है। आज यानी 4 अगस्त को दुनिया भर में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे उन स्टार्स के बारे में जिनकी दोस्ती के किस्से फिल्मी दुनिया में काफी मशहूर हैं। दोस्त वही जो जरूरत के समय काम आए। हिंदी सिनेमा में भी कई कलाकारों के बीच की दोस्ती काफी मशहूर रही है, जिन्होंने आड़े वक्त में भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। करियर की शुरुआत में खलनायक की भूमिका में लोकप्रिय हुए अभिनेता प्राण सिकंद का शोमैन राज कपूर के साथ करीबी जुड़ाव रहा। 24 साल की उम्र में फिल्म आग से निर्देशन में कदम रखने वाले राज कपूर ने जब फिल्म आह का निर्माण किया तो उसमें उस समय ज्यादातर खलनायक की भूमिका निभा रहे प्राण को सकारात्मक डॉक्टर की भूमिका दी, लेकिन फिल्म नहीं चली। हालांकि राज कपूर ने उनके साथ काम करना जारी रखा। प्राण ने उनकी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में डकैत राका की अहम भूमिका निभाई। फिल्म मेरा नाम जोकर की असफलता से राज कपूर के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया। उन्होंने कर्ज से उभरने के लिए अपने छोटे बेटे ऋषि कपूर के साथ फिल्म बॉबी बनाने का फैसला लिया। राज कपूर चाहते थे कि इसमें प्राण नायक के पिता की भूमिका निभाएं। उस वक्त प्राण करियर के शिखर पर थे, वो 2 से 2.5 लाख रुपए फीस लेते थे। तब राज कपूर ने प्राण से कहा था कि मैं अभी तुम्हें कुछ भी धनराशि देने की स्थिति में नहीं हूँ। तब प्राण ने चेहरे पर कोई भाव दिए बिना राज कपूर से पूछा कि आपकी जेब में 1 रुपए का सिक्का होगा। राज कपूर थोड़ा चौंके, वो कुछ कहते इससे पहले ही प्राण ने कहा, आप मुझे 1 रुपया दे दीजिए, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, यही मेरी फीस होगी। प्राण की ये प्रतिक्रिया सुनकर राज कपूर भी हैरान रह गए। अभिनेता संजीव कुमार भी यारों के यार माने जाते थे। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद उन लोगों को नहीं भूले जो उनके करियर में मददगार रहे। उनके दोस्त चंद्रवर्धन भट्ट, जिन्होंने उनका गुजराती थिएटर से परिचय कराया था, ने उनसे 2 नाटकों में अभिनय करने का आग्रह किया ताकि गुजरात रंगमंच पर उनकी सिल्वर जुबली मनाई जा सके। संजीव ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। उस शो को देखने अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई फिल्मी सितारे पहुंचे। यहां तक कि राजेश खन्ना भी उस शो को देखने आए। उस 2 शो के टिकट 4 गुना महंगे थे, लेकिन संजीव कुमार ने उसके लिए मुफ्त में परफॉर्म किया। इसी तरह फिल्म हम 5 को पूरा करने के लिए निर्माता बोनी कपूर को पैसों की जरूरत थी। उन्होंने कई जगहों से उधार लेने की कोशिश की। जब संजीव कुमार को इसके बारे में पता चला तो खुद मदद को आगे आए और उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें पैसे दिए। ये राशि लाखों में थी। इस बात की जानकारी संजीव कुमार ने अपने घर वालों तक को नहीं दी। संजीव कुमार के निधन के बाद जब बोनी परिजनों को पैसे लौटाने गए तब उन्हें इस उधारी के बारे में पता चला। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारे पसंदीदा कलाकार भी एक दूसरे की दोस्ती पर मर मिटने तक को तैयार थे। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपका भी कोई ऐसा ही प्यारा दोस्त है तो हमें कमेंट करके उसका नाम जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स।